हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपकी दोस्त नीलम बिष्ट, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह के बजने 9:30 और सुबह सुबह हम आए हैं मिर्च तोड़ने। तो ये है इस साल की आखिरी मिर्च, तो इसमें बहुत कम मिर्च हरी बची है। तो हमें अचार बनाना था, तो कल मैं देखने आई थी यहाँ कि कितनी मिर्च बची है। तो अभी लाल लाल ज़्यादा हो रही है, हरी कम हो रही है। तो अभी माँ ने तोड़ना स्टार्ट कर दिया है और साथ में लेके आए हम यहाँ पे पानी लेके आए थे, क्योंकि हम खाली खाली आ रहे थे। तो यहाँ पे बहुत दिन पानी नहीं डाल रखा, मेथी बो रखी है। तो और दिन हम ऊपर से पाइप लगाते थे, तो आज जो घर पे नहीं है तो इस वजह से हम बाल्टी में ला रहे हैं। तो माँ ने थोड़ी मिर्च अभी तोड़ ली है, तो अभी मैं भी तोड़ती हूँ। तो दोस्तों ये रही पानी की बाल्टी, और एक बाल्टी अभी आगे है। तो दोस्तों इसमें एक साइड राई और एक साइड मेथी बो रखी थी, तो एक साइड में राई नहीं हुई, तो हम एक साइड ही पानी डाल रहे हैं। तो शायद दो बाल्टी पानी से काम चल जाएगा। दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, दिन के बज रहे हैं 1:30। तो अभी खाना खाया है। तो मिर्च तोड़ने के बाद मैं छन्नी में चली गई थी और माँ खाना बनाने आ गई थी। तो जो अभी हम अंदर मिर्च लेके आए हैं, बोरी अंदर आ रखे हैं, तो हमारे साथ मिर्च काट रहे हैं। यहाँ पे सारी मिर्च फैल रखी है और बोरी मिर्च से नाराज़ हो रहे हैं कि मेरी वीडियो मत बना। तो अभी एक साइड में हमने हरी मिर्च रखी है, वो अचार के लिए है। और ये वाली वो वाली जो लाल मिर्च पकी हुई दिख रही है, सारी मैंने काट रखी है अभी, है ना। मिल काटी नहीं। तो दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ मुशकान, और मेरे साथ है अंजलि। तो ये अभी शीतल को बुलाने जा रही है, क्योंकि वो आवाज़ दे दे के आ नहीं रही है। और अंदर मिर्च कट रही है अभी। तो अभी गांव में बरसी है अभी 1-2 दिन बाद, तो उसका सामान लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी काफी दिन बाद मैं कालू से मिल रही हूँ, वो दिल्ली गई थी। तो कन बनी मैं था कालू थी दिल्ली दिल्ली। तो अभी यहाँ पे बंदरों के लिए प्याज लग चुके हैं, जिसमें बोड़े अभी पानी डाल रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम मुशकान पहुँचने ही वाले हैं, और इतने सारे लोग अभी संधि को छोड़ने जा रहे हैं। ठीक चाहो संधि कल दिखा जरा लिया था सामान के ले रहे स्वचन फोन मधी सी दिल्ली मिल गई थी जितना दरे क्यों आलता बा पांच नंबर जितना नहीं मिल रहा है पहले रुपए कौन चाहो पांच चाहो पांच यार चिताओ पे पांच भी पांच आई पहले रुपए कौन चाहिए रास्ते में आ गए हैं, और मैं हूँ सबसे पीछे से, बाकी लोग आगे से जा रहे हैं। मुझे लग रहा है मेरे पास कुछ ज्यादा ही आलू हो गए हैं, तो और इनके पास कम है, तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी जा रहे हैं आगे से। तो दोस्तों अभी ताई ये हमारे साथ मिर्च काट रहे थे, और ये राहुल बार बार उन्हें परेशान करके उनके ऊपर कंबल डाल दे रहा है। अरे राहुल तिलू तो दबाया अलग तुझी अरे खदूर तो बता रहा हूँ कुंबल लग जानी। तो दोस्तों अभी मुशकान से आने के बाद हम जा रहे हैं छन्नी में, तो ये पीन लेके जा रही है और मैं कूड़े की बाल्टी लेके जा रही हूँ। तो अभी गाय भैंस अंदर नहीं बांध रहे, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तो उन्हें अंदर बांधना है अभी। तो अभी गाय भैंस सारे अंदर बांध रखे हैं। तो यहाँ पे गोबर है कुछ, तो मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ, पूरा गोबर सूख रखा है, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा बारिश वाला हो सकता है, तो बारिश भी हो सकती है अभी। तो दोस्तों जितना गोबर फैला हुआ था मैंने वो सारा इकट्ठा कर लिया है, और बाकी जो और गोबर है उसे फैला रही हूँ। और साथ ही में माँ भी अभी दूसरी साइड से गोबर ला रही है, और वो दूसरी साइड रख रही है अभी।
अंदर दूध निकाल रही है, तो ये तो अभी अंधेरा भी होने ही वाला है, तो अभी थोड़ी देर में हम घर चलेंगे। दोस्तों भी टाइम हो रहा है 5:30 और आजकल सर्दियों का टाइम है तो अंधेरा जल्दी हो जा रहा है, तो अभी जल्दी थोड़ी देर में नीचे जाऊंगी फोन चला के और खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ खाने में खिचड़ी बनेगी, तो आज के ब्लॉग को ओपन करते हैं, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तब तक के लिए बाय।